वेलकम है एवरीवन। कल हमने यूनियन एंड डायमेंशन और कम्युनिकेशन के 15 क्वेश्चन किए थे और आज जो बच्चों के 15 क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। तो वापस शुरू करते हैं। ये स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। स्क्रू गॉज फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसिड विद द रेफरेंस लाइन। मतलब ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे फिफ्थ डिवीजन कोइंसिड कर रहा है और जीरो नीचे है। देयर आर 50 डिवीजंस ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स 0.5 मीटर कंप्लीट रोटेशन। मतलब जो पिच है वो कितनी है, 0.5 mm। नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 50। लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.5 upon 50 इज इक्वल टू 0.01 mm। ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। अब उसके बाद फॉर अ पर्टिकुलर एजुलेशन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज, टोटल रीडिंग कितनी आएगी, मेन स्केल रीडिंग 5 mm प्लस एंड 28 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन कितने 20। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें जब इसको एकदम क्लोज किया हुआ है उस समय रेफरेंस पे जीरो नहीं है बल्कि 5 है। अब जीरो को रेफरेंस पे लाने के लिए कैसे घुमाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लाओगे मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस समय जो एरर आता है वो पॉजिटिव आता है। एंटी क्लॉक चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी ला सकते हो, लेकिन जो क्लोजेस्ट होएगा वहाँ से लाएगा। अब क्लोजेस्ट यहाँ पे लाने के लिए क्या है, 5 क्लॉकवाइज घुमा ले तो आ जाएगा। तो जब क्लोजेस्ट क्लॉकवाइज घुमाएंगे उस समय तो एरर आएगा पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उस समय जो एरर आएगा वो आएगा नेगेटिव। और एरर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो साइन के साथ उससे हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जिसमें मतलब 5 का एरर है रीडिंग में और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो कितना हो गया 5 plus 15 into 0.01, ये हो गया 5.15 mm। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिट पे रिलेटिव है तो हमेशा डायमेंशन लेस ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर cos phi होता है, ये हमारे उसमें आता है, ये हमारे उसमें अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आता है पावर फैक्टर cos phi। क्वालिटी फैक्टर भी का जो फॉर्मूला होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी डायमेंशनलेस होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसका डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 a-2, ये इसका डायमेंशन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट मेजर करता टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑस्किलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 times। द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। अब पहले तो जो मीन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो इन सबको ऐड कर दो पहले, तो 90 plus 91 plus 95 plus 92। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑब्जर्वेशन 4 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 92 आ गई। अब उसके बाद टोटल मीन एरर कितना आएगा, पहली वैल्यू है 90 और 92 में कितना फ़र्क है 2 का, प्लस अगली वैल्यू 91 और 92 में कितना फ़र्क है 1 का, प्लस अगली वैल्यू कितनी 95 और 92 इसमें कितना फ़र्क है 3 का, इसमें कितना है 0 upon 4। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 और सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सब में एक एक सिग्निफिकेंट फिगर और डिवाइड करें तो इस सबसे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा 2। अब जब इसे लिखेगा तो इसे ऐसे लिखेगा 92 और ये हमारा एरर है, ये हो गया हमारा एरर 92 plus minus 2, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्क्रू गॉज है जिसका पिच, अब इसमें क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट बोल दिया कि पिच यही है 0.5 mm उसकी पिच है और सर्कुलर स्केल जिसमें नंबर ऑफ डिविजन कितने 50, तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी 0.5 upon 50 बराबर 0.01 mm। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। फिजिक्स में यही करना है, बस आपको जो डेटा दिए हो सीधे सीधे लिख के लो और आपका क्वेश्चन अपना हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, मतलब एकदम टाइट हो गए, रैचेट को एकदम पूरा गोल घुमाया हुआ है, क्लॉक को पूरा टाइट किया हुआ है, तो उस समय द 45 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन लाइन, मतलब जो रेफरेंस लाइन है जहाँ पे जीरो होना चाहिए था वहाँ पे 45 है, तो जीरो क्या है, जीरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जीरो ऊपर की तरफ है तो सबसे जल्दी इसे कैसे ला सकते हैं, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाया गया तभी सबसे जल्दी ये यहाँ पर रेफरेंस लाइन के पास आ पाएगा, तो एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा जीरो को नीचे लाने के लिए। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एरर होएगा, जैसे पहले बताया था ये हमारा नेगेटिव एरर हो गया, और कितने का हो गया, 50 डिवीजन है, 50 माइनस 45 बराबर 5 डिवीजन का नेगेटिव एरर हो गया, एरर कितना आ गया है, माइनस 5 का एरर आ गया, माइनस 5 का नेगेटिव एरर का एरर आ गया, और एरर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव उसे हमेशा साइन के साथ माइनस करना है। अब देखो फिर आगे पढ़ते हैं, वॉट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल रीडिंग 0.5 है प्लस एंड 25 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन 25, और एरर माइनस करना है, एरर कितना है, माइनस 5 का एरर है, साइन के साथ माइनस करते हैं, माइनस 5 लीस्ट काउंट कितना है 0.01, ये कितना हो गया 0.5 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, ये हो गया 0.80 mm, 19 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ये इक्वल स्क्रू गॉज का क्वेश्चन, जितने भी स्क्रू गॉज की वैरायटी वो सारी मैं यहाँ पे करवा दूंगा, क्योंकि स्क्रू गॉज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया है नीट में, पढ़ने के लिए से एक इतने क्वेश्चन नहीं आते। A screw gauge has 50 division on its circular scale. The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking prior to use. Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 is noticed on the pitch scale. मतलब जो पिच है वो कितनी है 0.5 mm की हमारी पिच है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने है 50, अब ये देख लो ये वैल्यू बार बार आती है एग्जाम में, कितने हो गए 0.01 mm हमारी लीस्ट काउंट हो गई। अब द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे 4 है ये 0 है, तो 0 को यहाँ पे लाने के लिए कैसे घुमाना होगा, ऊपर की तरफ लाओगे, ऊपर की तरफ मतलब कैसे हो गया, क्लॉक वाइज हो गया, और क्लॉक वाइज कैसा एरर होता है, ये पॉजिटिव एरर होता है, 4 का पॉजिटिव एरर आ गया, तो नेचर ऑफ 0 एरर क्या है, 0 एरर कैसा है, पॉजिटिव है, तो एरर तो हो गया हमारा पॉजिटिव। लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 mm, और 0.01 mm के और कैसे लिख सकते हैं, 10 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, एरर तो है पॉजिटिव और लीस्ट काउंट है 10 माइक्रोमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और 10 माइक्रोमीटर ही हो गया हमारा, 30 ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वो एरर क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है और 4 ऑब्जर्वेशन ए बी सी डी पर डिपेंड करती है, ऐसे जेड इज इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय सी की पावर 1/2 और डी की पावर 3। द परसेंटेज ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, ए की तो जो परसेंटेज एरर जेड में आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर ऑफ ए, ए में एरर कितना है 2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन बी, वो कितना है 1.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन सी की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई बाय 4, और इसमें साइन नहीं देते, साइन माइनस कुछ होगा, हमेशा प्लस में लेना है इसके जो भी पावर का साइन है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन डी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, अब जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा और 14.5% आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 30। अगला क्वेश्चन है कि द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 10 ई की पावर 1000 वी बाय टी माइनस 1 मिली एम्पियर एक्सपोनेंट ऑफ ई, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज वी इज इन वोल्ट्स एंड द टेंपरेचर टी इज इन डिग्री केल्विन। इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग प्लस माइनस 0.1 वोल्ट व्हाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एट टी 100 केल्विन,
what will be the error in the value of current in milliampere? अब DI निकालना है, मतलब जो हमारी करंट में एरर हुई है वो निकालनी है, तो हम बार बार तो पीछे पेज पलट सकते नहीं। तो मैंने पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे लिख दिया है, जो करंट में या वोल्टेज में जो एरर है वो भी लिख दी, करंट दिया हुआ और जो ही दिया हुआ है। अब पहले तो करंट पुट करते हैं, करंट कितना दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर है तो डायरेक्ट 5 ही लिख दो। ई की पावर 1000 वी बाई टी माइनस 1, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 6। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें वी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा डी आई अपॉन डी वी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस पूरी वैल्यू को फिलहाल वी मान के सॉल्व करो जैसे आपको सिखाया जाता है, तो ये ई का डिफ्रेंशिएशन पावर भी वापस वो एज इट इज वो आ जाता है, तो ये एज इट इज वो आ गया मल्टीप्लाइड बाय। अब अंडर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो तो 1000 वी बाई टी है, वी की तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे तो कितना हो जाएगा 1000 बाय टी हो जाएगा, टी कितना है 300। वन का डिफ्रेंशिएशन कुछ होता नहीं, ये वैल्यू मैंने पुट की 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 300, एरर को इधर लाए 0.01, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो जो डी आई आ गया वो कितना आ गया 0.2 मिली एम्पियर आ गया, ये हमारा एरर आ गया करंट में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब जो अगले क्वेश्चन ये व्हाट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके दो सॉल्यूशन दिए हुए, एक तो हमारी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए हुए अलग तरीके से दिया हुआ है, और जो हमारी गाइड जाती है उसमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया हुआ है। और क्योंकि एनटीए वो हमारी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, मैं एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे, और क्योंकि दोनों तरीकों से जब करते हो तो आंसर में बहुत फर्क आता है, एनसीईआरटी के तरीके से आंसर अलग आता है और जो हमारे गाइड रेफरेंस बुक में दिया हुआ है तो उससे आंसर अलग आता है। और क्योंकि एनटीए ये हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती है इसलिए मैं एनसीईआरटी के तरीके से इसको सॉल्व करेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये क्लियर नहीं हो रहा, दो रेजिस्टेंस है R1 बराबर 4. प्लस माइनस 0.8 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। अब पहले तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो R नेट कितना आएगा, बिना एरर के निकाल ले तो ये तो आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब पैरेलल में है तो जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया वो इस तरीके से दिया हुआ, डेल्टा आर बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का होल स्क्वायर, ये हमें लगा के सॉल्व करना है एनसीईआरटी के हिसाब से, नहीं तो यूं तो आंसर बहुत अलग अजीब सा आ जाता है। नेट के ये हो गया 4 बराबर डेल्टा R1 0.8 अपॉन 16 प्लस डेल्टा R2 0.4 अपॉन ये भी हो गया 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3, तो जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना है 2 प्लस माइनस 0.3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंसर में नीट में आएगा या जेई जिसमें भी आएगा ये क्वेश्चन, ये तो फिलहाल ये तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, उसमें भी हमें एनटीए के हिसाब से एनसीईआरटी के तरीके से ही सॉल्व करना है, तो ये वाला हम सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है कि एक सिग्नल ऑफ 5 kHz फ्रीक्वेंसी इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ऑन अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 Hz, द फ्रीक्वेंसीज एट द रिजल्टेंट सिग्नल आर। अब रिजल्टेंट सिग्नल में 3 फ्रीक्वेंसी आती है, एक तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, एक कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और एक कैरियर वेव माइनस फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये 3 फ्रीक्वेंसी हमारे उसमें आती है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 MHz मतलब 2000 kHz, FC माइनस FM इसमें से ये माइनस करो कितना हो जाएगा 1995, इसमें ये ऐड करो कितना हो जाएगा 2005, ये 3 फ्रीक्वेंसी आती है इसमें आउटपुट सिग्नल में, 3 फ्रीक्वेंसी आती है FC माइनस FM, FC प्लस FM और FC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला, अगर आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन से आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो जो 13 साल में नहीं आया वो भले ही आप कैसे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, द
The pitch of the screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. When nothing is put between the jaws, the zero of the circular scale lies 8 divisions below the reference line. When the wire is placed between the jaws, the first linear scale is clearly visible, while the 72nd division on a circular scale coincides with the reference line. The radius. ये ध्यान रखो कि इसने रेडियस पूछा है, क्योंकि इसने जब आंसर दिया है तो इसने डायमीटर की भी वैल्यू दी हुई है और जो रेडियस की वैल्यू दी हुई है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो निकालेंगे वैल्यू वो आएगी डायमीटर, तो उसका हाफ करने पर हमें रेडियस मिलेगा, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये वैल्यू दी हुई है, पिच ये एरर। अब इसमें क्या कहा कि जो जीरो है वो नीचे लाया करता है, मतलब रीडिंग में 8 आ रहा है और जीरो नीचे लाया कर रहा है। तो मैं बार बार बनाऊंगा नहीं, मैंने पहले बना के दिखा दिया इसको, नीचे क्लॉकवाइज घुमाएगा तब जाके जीरो ऊपर आएगा। तो मतलब एरर क्या हो गया, पॉजिटिव पिच हो गई ये, नंबर ऑफ डिविजन हो गई ये। तो जो लीस्ट काउंट आ जाएगी वो 0.01 mm आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जब रीडिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट लीनियर डिविजन विजिबल है, मतलब रीडिंग में क्या आएगा 1 mm प्लस, और टोटल डिविजन कितने दिख रहे हैं 72 डिविजन दिख रहे हैं प्लस 72। एरर कितना है, पॉजिटिव का 8 प्लस माइनस 8 माइनस हो गया मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो ये कितना हो गया 1.64 mm। ये हमारी रीडिंग आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में रेडियस पूछा है और जो हमारी रीडिंग आई वो क्या आया, डायमीटर आया है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.82 mm। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये ध्यान रखो कि इसने रेडियस पूछा है कि आप जल्दी से डायमीटर निकाल के आंसर ना दे दो। अगला क्वेश्चन, इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, then what are the dimension of lambda where C by V is equal to lambda। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटेंस के डायमेंशन कितने होते हैं, M माइनस 1, L माइनस 2, T 4 और A 2। वोल्टेज के डायमेंशन कितने होते हैं, ये हो जाते करेंट इन टू रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया M माइनस 1, L माइनस 2, T 4, A 2 अपॉन एम्पियर इंटू एम वन एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया एम माइनस 2, ये हो गया एल माइनस 4, ये हो गया टी 7 और ये हो गया ए 3। तो सी बाय वैल्यू जो बराबर लैम्डा, उसका डायमेंशन क्या आया, एम माइनस 2, L माइनस 4, T 7, A 3। A इसमें एम्पियर है। अब इसमें क्वेश्चन में I मान लिया तो A की जगह I कर लो, तो कितना हो गया M माइनस 2, L माइनस 4, T 7, A 3। ये हमारा हो गया इसका आंसर, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको तीन डायमेंशन हमेशा याद होने चाहिए, एक तो कैपेसिटेंस के M माइनस, L माइनस 2, T 4, A 2, एक रेजिस्टेंस के M 1, L 2, टी माइनस 3, ए माइनस 2 और एक इंडक्टेंस के एम वन एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 2। ये तीन डायमेंशन आपको हमेशा होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि सी बाय आर दे देगा या आर बाय आई दे देगा, आर इंटू आई का रूट दे देगा, कि फिर बताना होता है कि टाइम की यूनिट किस में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए। तो इसलिए ये तीन डायमेंशन आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वायर 1 mm का, इसका लेंथ 1 meter है, इसको मैंने स्ट्रेच किया कि लेंथ 25% बढ़ जाए तो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में कितना आएगा। अब पूछ लो क्या करेंगे कि देखेगा रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला लिख दिया रो एल बाई ए, इसके प्रोपोर्शनल लगा जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 25 करके आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। देखिए लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी तो कम होएगा, एक ही क्या है उस वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, तो वायर स्ट्रेच कर रहे का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है, और वॉल्यूम कितना होता है, ये एरिया इंटू लेंथ होता है, मतलब लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। तो आर प्रोपोर्शनल क्या है, एल बाय ए, यहाँ से एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यहाँ पुट किया, तो आर प्रोपोर्शनल टू आर एल का होल स्क्वायर, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल का होल स्क्वायर। मतलब एल इनिशियल कितना है, एल ही है, और फाइनल 25% बढ़ गया, मतलब 125 हो गया एल का होल स्क्वायर, तो आर फाइनल 1.25, आर फाइनल इज इक्वल टू 156.25 मल्टीप्लाइड बाय आर इनिशियल, मतलब जो परसेंटेज
चेंज आया, कितने का चेंज आ गया, 56% का चेंज आ गया ऑलमोस्ट, हमारा आंसर हो गया पहला। इसमें ध्यान रखना कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो एरिया को हटा के यहाँ पर लेंथ लानी पड़ेगी, तो उस समय एल स्क्वायर आ जाएगा, और अगर एरिया रिड्यूस उल्टा हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो एरिया का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, अब 60 स्क्वायर उनका एरिया ऐड करना है, मतलब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, ऐड करेंगे 5.29 प्लस 5.29 डॉट 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 7 टाइम्स तक। अब ऐड करते तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम जितने डेसिमल के पास सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही हमारे रिजल्टेंट बनने चाहिए। अब सबके बाद डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2 है, तो अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में देख लो कि डेसिमल के बाद किस में सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं, एक यही ऑप्शन में इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 और 2, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी हमें सॉल्व नहीं करना होता है, बिना सॉल्व के ही निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने, तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, एम एल टी -2 ए -2, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का डायमेंशन कितना होता है, एम -1 एल -3 टी -4 ए -2, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, मैंने कहा था ये बहुत जरूरी है याद रखना, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको एम वन एल टू टी -3 ए -2। अब ये सब मैं पुट करके देख लो किसमें हमारा आंसर आ रहा है, या हमारा आंसर इसी में आ जाएगा, पहला हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब बच्चों भी क्वेश्चन हमने कर लिए, अब जब अगला टॉपिक शुरू करने वाले वो होगा वेक्टर काइनेमेटिक्स, और इसके क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रख दिए, अब बस ये अगले वीडियो में आपको ये करवा दूंगा, तो हमारा वेक्टर काइनेमेटिक्स भी 2-3 वीडियो में हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, देखते रहिए, ऑल द बेस्ट।